नमस्कार, मैं नमिता दीक्षित और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। देश में पिछले कई दिनों से केंद्रीय एजेंसियों का सिकंजा विपक्षी नेताओं पर कसता जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसी बीच बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पर एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं, तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। उन्होंने ये भी कहा कि के कविता जी, आपको ये जनता को बताना ही होगा, इंडोस्प्रिट से कोई लेना देना है या नहीं। इतना ही नहीं, गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा, पिछले 2-3 दिन में कट्टर बेईमान पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI न्यायालय से राहत नहीं मिली और ED की कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने कहा, इंटेरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज मस्ट। ये राजनीतिक द्वेष नहीं है, जो शराब घोटाला उन्होंने किया है उसकी जड़ तक जाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com।